अच्छा, तो हमारे पास दोनों सीएस पर हो सकती है, आपके पास पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर हम सेक्सिस की बात करते हैं तो सेक्सिस का एक जो मिड पॉइंट है वो आपके पास है जीरो, तो इससे प्लस की तरफ भी वैल्यू शिफ्ट की और माइनस की तरफ भी काफी चीजें हैं जिसका माइनस भी टेम्परेचर है। जैसे कि अगर हम आइस की बात करें तो आइस का टेम्परेचर है माइनस फोर पर आइस कंप्लीटली बन जाती है, जबकि इसके ऑपोजिट केस में हम देखें तो आपके पास जो वाटर है वो वाइट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। मींस दैट आपके पास सेल्सियस से स्केल के बीच में आपके पास दोनों तरफ पर वैल्यूज होती है। फॉरनहाइट पर स्केल अगर देखें दूसरे आपके पास मिड पॉइंट है वो पास 32 फॉरनहाइट, इसकी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है और आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं केल्विन की तो केल्विन आपके पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपके पास है 273। अब 273 का मतलब ये बराबर है 0 डिग्री सेल्सियस के। अब कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि उसका टेम्परेचर जाए और यहाँ पर जीरो केल्विन तक पहुंच सके, कोई भी ऐसी चीज अभी तक गिराया नहीं है, इसीलिए उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। अब क्योंकि जितना भी केल्विन का स्केल है, जितनी भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, उन सब का टेम्परेचर आपके पास जीरो तक नहीं पहुंच पाता, मींस दैट माइनस में उसका रेंज जा ही नहीं है, केल्विन स्केल आपके पास माइनस में नहीं जाता, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस पर ही रह रहा है। हम इस वजह से यहाँ पर डिग्री साइन नहीं पहुंच रहा।